बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं सोलर टेक सॉल्यूशन के एक और वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हमके लिए टॉमलिन का ये ब्रेकर लेके हमारे पास ये स्मार्ट सा ब्रेकर है, वाईफाई बेस की ब्रेकर है। अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल DDS238 है। वाईफाई बेस होने की बदौलत रिमोट ही इसको आप किसी भी जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर हर किस्म के प्रोटेक्शन अवेलेबल है। टॉमलिन की ये प्रीमियम ब्रांड है, हाइकिंग का ब्रांड है टॉमलिन, जिसकी वजह से इसको ये डील करते हैं। इसके अंदर हमारे पास हर किस्म की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के साथ साथ ये आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट भी कैलकुलेट कर सकता है। तो ये सिंगल फेज ब्रेकर है हमारे पास। अगर हम करंट रेटिंग की बात करें, इसकी करंट रेटिंग 65 एम्पीयर है। तो आज की वीडियो में इसको तफसीलन देखेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे LCD डिस्प्ले के साथ आता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे तमाम पैरामीटर देखने को मिल जाएंगे LCD स्क्रीन के अंदर। उसके अलावा इसके पास में यहाँ पे बटन है जिसकी मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। और ऐसा जिसमें ऊपर वाली साइड में हमारे पास इनपुट का कनेक्शन है और नीचे वाली साइड पर यहाँ पे हमारे पास आउटपुट का कनेक्शन है जो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कनेक्शन की डायग्राम जिसकी मदद से आप इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी इसकी कनेक्शन डायग्राम है। तो यहाँ से कनेक्शन इसके थोड़े से ट्रिकी है। जो इनपुट के कनेक्शन है वो आपने यहाँ पे वन जो टर्मिनल है यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है इसकी लाइव वायर को, और फिर इसके ऑपोजिट साइड पे 3 टर्मिनल हो गए, यहाँ पे आपने न्यूट्रल कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारी लाइव कनेक्ट होगी 1 पॉइंट पे और 3 पे हमारे पास न्यूट्रल कनेक्ट होगी। इस तरीके से हमने इनपुट को कनेक्ट करना है और इसी तरीके से आउटपुट लेना। तो हमारे पास 2 पे हमारे पास लाइव होगा और 4 पे न्यूट्रल होगा। अभी हम इसको पावर अप कर लेते हैं। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पावर अप करने के बाद जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, आप देखते हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे कुछ पैरामीटर शो होना शुरू हो चुके हैं। और इसको वाईफाई मोड में ले जाने के लिए हम इस बटन को प्रेस करके रखेंगे। 5 सेकंड के लिए हम प्रेस करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि जो इसकी वाईफाई की इंडिकेशन है वो ऑन हो जाएगी। ब्लू कलर में ब्लिंक कर रही है, इसको कि शो करेगा। ये हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेबल मोड के अंदर है उसको आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट लाइफ इसकी ऐप है, इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। ऐप यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड होकर आ चुकी है। ये स्मार्ट लाइफ की ऐप है, इसके अंदर आपने चले जाना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपने साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद इसको लॉग इन कर लेना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर साइनअप कर लेता हूँ। साइन अप करने के बाद आपने अपनी ऐप को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपको कुछ स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ऊपर आपको प्लस का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ऐड डिवाइस पे आपने क्लिक कर लेना है। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, उसकी वजह यह कि मैं इस एक वीडियो के अंदर आपको तमाम तरह इसके फीचर के बारे में बताऊंगा, जिसमें इसकी सेटिंग के हवाले से इसका यूजेज तमाम चीज़ें अवेलेबल है। तो ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, वो आपने अलाउ कर देनी है। जैसे यहाँ पे आपने वाईफाई को ऑन कर देना है, उसके अलावा ब्लूटूथ और लोकेशन, ये 3 ऑप्शन आपसे मांगेगा। आपने तीनों जो है यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अलाउ करने के बाद ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा और यहाँ पे आपके डिवाइस को स्कैन करेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद आपकी डिवाइस यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। और स्कैन करने के बाद इस तरीके से इस का मीटर हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ये स्मार्ट मीटर IVAP के नाम से आएगा, इसको आपने इसके बाद क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने इसको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। जो आपके राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है। जो आपका राउटर होगा उसका आपने पासवर्ड देना है। यहाँ पे आपने राउटर अपना सेलेक्ट कर लेना, नीचे वाली साइड पे उसका पासवर्ड देना है। तो जैसे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे राउटर का, तो इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये आपके फ़ोन को इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास प्रोग्रेस बार इसके 100% होगी, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और उसके फिर इसके पैरामीटर को हम अपने फ़ोन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। सक्सेसफुली कनेक्शन होने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी LED लाइट जो है वो स्टिल हो जाएगी, जो पहले ब्लिंक कर रही थी, और फोन के अंदर इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये डिवाइस जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। अभी इस डिवाइस के पैरामीटर को यहाँ पे एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डिवाइस हमारे फ़ोन के साथ अभी कनेक्ट हो गई है और इसके तमाम तर फीचर जब हम अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं। इसके जो यूनिट उसको भी आप रीसेट कर सकते हैं। तो अभी तमाम तर फीचर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा जो ऐप हमें प्रोवाइड करती है। तो सबसे फीचर फील्ड ये वाला ब्रेकर हमारे पास टॉमसन का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुकी है। तो सबसे ऊपर हमारे पास आ जाएगी टोटल कंजम्पशन है, जो यूनिट हम कंज्यूम करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। अभी यहाँ पे हमारे पास लोड कनेक्टेड नहीं है। जब आपका लोड कनेक्टेड होगा तो जो यूनिट जितने कंज्यूम करेगा वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। उसके अलावा कुछ पैरामीटर्स हमें नीचे देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर एक्टिव पावर है जो कि करंटली पावर को शो करे, उसके बाद रिएक्टिव पावर है, पावर फैक्टर है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे करंट देखने को मिल जाएगा और वोल्टेज जो इस वक्त हमें शो कर रहा है। उसके अलावा कुछ फ्रिक्वेंसी की है हमारे पास और टेम्परेचर की वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अवेलेबल पावर। जब आप इसको प्रीपेड ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जितने यूनिट आप इसको अलाउ करेंगे उतने वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। ये इसका स्विच है जिसकी मदद से आप इसको रिमोटली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ।
और जैसे मैं ऑफ किया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसने इंडिकेशन दे दी है और यहाँ पे हमारे पास ये ऑफ शो हो रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ से इसको हम ऑन भी कर सकते हैं, और ऑन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये स्विच ऑन हो गया है। इसके अलावा हम यहाँ पे डाटा के अंदर जाएंगे, जो हम एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस के अंदर हमारे पास इसकी एक्टिव पावर आ जाएगी, ठीक है, फेज ए की पावर हमारे पास यहाँ पे शो करे, उसके अलावा टेम्परेचर हमारे पास ये नीचे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास काउंटडाउन टाइमर भी अवेलेबल है, इसको आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितनी देर के लिए आप इसको ऑन करना चाहते हैं उसके बाद उतने टाइम के बाद ये ऑफ हो जाएगा। ये काउंटडाउन की सेटिंग हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ऊपर हमारे पास क्लाउड टाइमिंग है, यहाँ पे आप अपना स्केड्यूल टाइमर कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये ब्रेकर आपका ऑन या ऑफ स्टेट रिटेन करे। मिसाल के तौर पे आपने टाइम लगाया कि डेली इसने सुबह 8 बजे जो है ऑफ हो जाना है, अगर आप इसको अपने सोलर के साथ लगाते हैं, आप चाहते हैं कि ये डेली सुबह 8 बजे ऑन हो जाए ताकि आपका सारा दिन सोलर चलता रहे, और 5 बजे ही ऑन हो जाए, तो यहाँ पे आप दो टाइमर सेट करेंगे। एक टाइमर यहाँ पे आपने सेट कर देना है, उसको डेली के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है, सुबह 8 बजे का हम टाइम लगा रहे हैं, 8 बजे जो है ये ऑटोमेटिकली आपका ब्रेकर ऑफ हो जाया करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम उसका कुछ नाम रखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं जैसे रख लेता हूँ ऑन, यानी ये हमें ऑन स्टेट शो करेगा, ऑफ सुबह के लिए ऑफ रख लेते हैं क्योंकि सुबह हमने ऑफ करना है, तो यहाँ पे हमने ऑफ रख लिया इस टाइमर का नेम। उसके अलावा ये मैं पूछ रहा है कि नोटिफिकेशन आपने अलाउ कर देना, उस केस में जैसे ही ऑफ होगा आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। यहाँ पे आपने स्विच की स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, हमने सुबह ऑफ करना है तो पावर ऑफ कर देंगे, इस तरीके से हमारा ये टाइमर इसको सेव कर लेंगे। तो ये एक टाइमर है यहाँ पे हमारे पास स्केड्यूल हो गया है, इसके अंदर ये है कि हमारा 8 बजे सुबह ये ब्रेकर ऑटोमेटिकली खुद ही ऑफ हो जाएगा रहेगा, ठीक है। इसी के साथ आपने इसको ऑन करवाना है, तो हम टाइम रख लें ऑन होने का 5 बजे, ठीक है, 5 बजे रख लेते हैं कि आपका ब्रेकर जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, ठीक है। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो रिपीटेशन के लिए आपने डेली करना है इस प्रोसेस को, तो आपने सारे दिन सेलेक्ट कर लेने, ठीक है। उसके बाद नोट के अंदर यहाँ पर हम इसका रख लेंगे स्टेटस के, हम इसको ऑन टाइमर का नाम रख रहे हैं कि मैं इसको ऑन करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन भी अलाउ कर देंगे और ये पावर ऑन इसको हम रखेंगे। इस तरीके से आपके ये दो टाइमर जो हैं स्केड्यूल हो गए हैं। अब ये एक किस्म का आपका ब्रेकर ऑटोमेट हो गया, करेगा ये कि सुबह ये जो आपका ब्रेकर है ये ऑफ हो जाएगा 8 बजे, और शाम को तकरीबन 5 बजे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं स्केड्यूल के ऑप्शन को। उसके बाद तीसरे नंबर हमारे पास उसकी कुछ डिटेल्स आ जाती हैं। डिटेल्स में जो प्रोवाइड करेगा टोटल पावर, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ऑप्शन भी आएगी, तो इंपोर्ट में पॉजिटिव एनर्जी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो आ जाएगी, उसके अलावा जो हम वापस भेजेंगे उसको रिवर्स चार्ज के अंदर आ जाएगी। रिमेनिंग पावर जो हमारे पास आ जाएगी, जो हम सेट करेंगे किलोवाट आवर, वो यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा कंपेरेटिव पावर आ जाएगी, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितने हम सेट करेंगे वो रिएक्टिव एनर्जी है। उसके अलावा यहाँ पे हम कॉस्टिंग सेट कर सकते हैं, जिसमें टोटल पावर कॉस्ट है, पॉजिटिव चार्ज कॉस्ट है, रिवर्स की कॉस्ट है, बैलेंस कॉस्ट है। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, बाकी कुछ पैरामीटर जो हमारे पास यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ये डिटेल्स आ जाती है, इसको आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं इस ब्रेकर के अंदर। उसके अलावा नीचे हमारे पास यहाँ पे सेटिंग आ जाएगी, सेटिंग के अंदर इसके अंदर आप यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं प्री पेमेंट। तो इसका जो बाई डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो टेट्रा 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड वेरीफाई हो चुका है, उसके बाद इस ऑप्शन को हम यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। ये प्री पेमेंट के ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइस पर यूनिट सेट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बैटरी रिचार्ज, मतलब कितने हमने इसको पावर देनी, 25 यूनिट्स मैं इसको दे रहा हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है प्री पेमेंट रिमेनिंग इलेक्ट्रिक अलार्म। जब हमारे पास 10 यूनिट रह जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अलार्म दे देगा कि आपके 10 यूनिट्स लेफ्ट हैं, उसके बाद आप इसको चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये कुछ प्रोटेक्शन जो हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन है, ठीक है। ये इसका स्विच अलार्म स्विच है और 270 वोल्ट पे ये सेट है, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अंडर वोल्टेज की सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। इसका अलार्म अगर आपने अलाउ करना है तो अलार्म भी आपको देगा, स्विच इसको ब्रेकर को बंद करना है तो उसको बंद कर देगा। हमारे पास 170 वोल्ट पे सेट है, उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं।
ओवर करंट की सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, 100 एम्पीयर तक ये करंट अलाउ करता है, तो हम इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। उसके अलावा टेम्परेचर की सेटिंग है यहाँ पे, ये आप सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर बेस पे डिसीजन लेगा, जब उतना टेम्परेचर हो उस केस में ये इसको टर्न ऑफ कर देगा। उसके बाद हाई टेम्परेचर की सेटिंग थी, इसी तरीके से इसकी लो टेम्परेचर की भी सेटिंग है, वो भी आप यहाँ से इजीली इसको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें इसके अंदर अर्थ लीकेज की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, ठीक है। अर्थ लीकेज की फ़ायदा ये है कि जैसे किसी चीज़ को आप टच करते हैं आपको करंट लगता है, तो उसके इसके अंदर आपका ये ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोटेक्शन इसको आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। अर्थ लीकेज आपने यहाँ पे 20 मिली एम्पीयर सेलेक्ट कर लेना है करंट, और उसके बाद इसको यहाँ पे टॉगल कर लेना है। यहाँ पे सर मैं आपको डेमो देने के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके अलावा ये थ्री फेज़ के अंदर भी आता है, इसलिए ये कुछ थ्री फेज़ की सेटिंग्स हैं जो कि सिंगल फेज़ के लिए एक्सेसिबल नहीं होंगी। उसके अलावा हमारे पास ये रिकवरी टाइम्स हैं, जिसमें ओवर अंडर वोल्टेज का रिकवरी टाइम है 10 सेकेंड, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। जैसे आपका ये रिकवर हो जाएगा उस वोल्टेज से, उसके बाद 10 सेकेंड बाद ये बंद हो जाएगा। उसके पावर ऑन डिले प्रोटेक्शन इसके अंदर में देखने को मिल जाती है, 5 सेकेंड की है, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। उसके अलावा करंट रिकवरी टाइम डिले टाइम है हमारे पास, वो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। ओवर करंट की प्रोटेक्शन हमारे पास, ओवर करंट होने के बाद कितनी देर बाद रिकवर करे उसका टाइम। उसके बाद मीटर का, अगर आप इसको पर्टिकुलर यूनिट से स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। करंटली ये 0 के ऊपर है, मैं यहाँ पे इसको 25 दे देता हूँ वैल्यू, थोड़ी देर के बाद ये वैल्यू भी हमारे पास वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये इसका मीटर का सीरियल नंबर है, ये आप दे सकते हैं, कुछ भी देना चाहें अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। 12 डिजिट का आपने देना है, ठीक है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास ये चीज़ें यहीं पे अब रिफ्लेक्ट भी होने से शुरू हो जाएंगी, ये पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा। तो ये बड़े फीचर फील्ड हमारे पास ब्रेकर है, जिसके अंदर आपको हर किस्म की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसके अंदर अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है, टेम्परेचर प्रोटेक्शन, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन है। उसके अलावा प्री पेमेंट के ऑप्शन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। भी यूनिट आप यहाँ पे सेट करना चाहें, जैसे यहाँ पे मैं 200 यूनिट सेट करता हूँ कि 200 के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो 200 यूनिट मैंने चार्ज किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसके अंदर 200 यूनिट आ गए। 10 यूनिट के ऊपर ये अलार्म दे जाएगा, जब आपके 10 यूनिट रह जाएंगे उसके इसके अंदर अलार्म आ जाएगा, तो आप इसको यहाँ से दोबारा से रिचार्ज भी कर सकते हैं, आपको एक किस्म की इंडिकेशन भी मिल जाएगी आपके इतने यूनिट कंज्यूम हो गए। उसके बाद ये आपके पैरामीटर अपने फ़ोन के ऊपर भी देगा, उसके अलावा इसकी स्क्रीन के ऊपर भी जो है ये पैरामीटर जब ये वर्किंग स्टेट के अंदर होगा तो चलते रहते हैं, आपको मुख्तलिफ पैरामीटर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी हमारे पास टॉम्सन की डिवाइस, और इस डिवाइस के ये पैरामीटर यहाँ पे इसकी स्क्रीन के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए ये इसका फिजिकल बटन है, इसको आप प्रेस करके रखेंगे और ये पैरामीटर यहाँ पे चेंज होते जाएंगे, जैसे कि इस हमें फ्रीक्वेंसी शो हो रही है, और ये इसका मीटर का सीरियल नंबर है, ठीक है, और ये हमारे पास इसके इम्पल्स रेट आ रहा है 1600 इम्पल्स पर रेट। इसके अलावा जो एक्टिव एनर्जी यहाँ पर हमारे पास शो होगी, उसके अलावा जो आपकी नेगेटिव एनर्जी यानी एक्सपोर्ट होगी वो यहाँ पर शो होगी। क्यूमुलेटिव एनर्जी या कंपैरेटिव एनर्जी यहाँ पे शो होगी हमारे पास। उसके अलावा ये यूनिट जो हमने सेट किए हैं 200, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ पैरामीटर शो करता है, ये इस वक्त करंट जो वोल्टेज है उसकी रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास यहाँ पे पावर फैक्टर आ गया, जो करंट पावर होगी यहाँ पे मेरे पास लोड कनेक्टेड वो यहाँ पे शो होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट है हमारी www.sunworks.com, और उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा 03460469000। ये एक स्मार्ट सी प्रोडक्ट है, इसको आप अपने घर के अंदर लगाएं और अपने घर को स्मार्ट होम में कन्वर्ट करें। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।